रायबरेली में 3 साल से माँ बाप अपने बेटे के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए प्रशासन के चक्कर लगा रहा है, लेकिन अभी तक बेबस माता पिता को प्रशासन से न्याय नहीं मिला, जिसके चलते अब माता पिता ने डीएम और एसपी के कार्यालय में पहुंचकर इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है और राष्ट्रपति के नाम इच्छा मृत्यु का ज्ञापन सौंपा है। हमारी बेटी का 2015 में 11 सितंबर 2015 को मर्डर कर दिया गया। मर्डर करने के बाद जो है मतलब 4 महीने में रिपोर्ट लिखी गई, तमाम अधिकारियों का दौड़ने के बाद जो है 4 महीने बाद डीएम साहब के आदेश पर मुकदमा लिखा गया। उसके बाद उसने पैसा वैसा लेकर के उन्होंने हार लगा दिया और आज तक बछावा लखनऊ रायबरेली मुख्यमंत्री दिल्ली सब कहीं जा रहे हैं, लेकिन हमें तक न्याय नहीं हुआ। यही कहते हैं हम जाँच करा रहे हैं यही है। तो हम आज कप्तान साहब और डीएम साहब के यहाँ मांगने आए थे कि या तो उनको न्याय दिया जाए या तो इच्छा मृत्यु स्वीकृति दी जाए। आपको बता दें, बछरावा थाने के ग्राम खैरहनी निवासी गुलाब सिंह के बेटे की 3 साल पहले हत्या करके शव को ट्रेन की पटरियों पर फेंक दिया गया था। तब से लेकर आज तक न्याय की तलाश में बूढ़े माँ बाप लगातार मुख्यमंत्री सहित पुलिस विभाग के सभी उच्चाधिकारियों की चौखटों में भटक रहे हैं, लेकिन बदले में परिवार को न्याय तो दूर आश्वासन भी नसीब नहीं हुआ है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रायबरेली से शिवकेश सोनी की रिपोर्ट।